आरजे टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबाएं घंटी नुमा बटन नए अपडेट्स पाने के लिए। हाय दोस्तों, आरजे टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुरभि। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक आरजे बनना चाहते हैं और रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए हमारे ये वीडियो। और चलिए अब शुरू करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आरजे बनने के लिए सबसे पहले क्या तैयारियां करनी होती हैं। अगर आप उस तैयारी को करके रखते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो सबसे पहले दोस्तों, इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए कि हम अपने गले का ख्याल रखें। जी हाँ, गला, जहां से हमारे स्वर निकलते हैं, आवाज निकलती है और आवाज दिल तक जाती है। अगर आपकी आवाज किसी के दिल तक जा रही है तो यकीनन आप बन सकते हैं आरजे। तो अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम बिल्कुल गर्म चीजें, खौलती हुई चीजें ना खाएं, अवॉइड करें। दूसरा, हम ठंडी चीजें नहीं खाएं, उन्हें भी कम खाएं या अवॉइड करें। थर्ड चीज ये होती है कि हम गर्म और सर्द ना करें, यानी कि पहले हमने ठंडी चीजें खा ली, फिर हमने गर्म चीजें खा ली एक साथ, वो भी हमें नहीं करना है अगर हम अपने गले को ठीक रखना चाहते हैं। इसके अलावा गले के साथ आप तेल, मिर्च, मसाले और खट्टी चीजें भी नहीं खाएं, डालडा ना खाएं। और इसके अलावा आप अपने गले को क्लियर रखने के लिए आपको गरारे करने होंगे, गरारे करते रहिए ताकि आपका गला जो है वो क्लियर रहे और ठंडी सर्द चीजों से बचे ताकि जुकाम ना हो, सर्दी ना हो, क्योंकि उसका सीधा असर आपके दिल दिमाग पर पड़ता है। और जब आपके सर में दर्द है या आपका आपकी चीजें अच्छी नहीं है तो आप फिर अच्छे से पेश नहीं आएंगे, अच्छे से आवाज नहीं निकलेगी और वहीं आप मार खा जाएंगे। इसके अलावा आपको अपना प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण पर ध्यान रखना है। अगर आपके उच्चारण अच्छे हैं, आप लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, टोन टोन आपकी अच्छी है, तो भी आप एक अच्छे आरजे बनने के लायक हैं, उसके गुण आपके अंदर हैं। अब टोन क्या चीज होती है? टोन ये होती है कि जैसे हमने किसी को जवाब देना है तो हमें सीधे तरीके से जवाब देना है, टोन नहीं मारनी है। और उच्चारण स, श, ज, ज, जैसे सुरभि, आकर्षिता, अब आकर्षिता को मैं आकर्षिता बोलूं, सुरभि को मैं सुरभि बोलूं, तो ये उच्चारण दोष होता है। माय नेम इज को मैं इज बोलूं, माय नेम इज, तो ये सारी चीजें भी आपको उच्चारण के तहत ध्यान रखनी है कि आप अपने उच्चारण को ठीक रखें। र और ड कभी कई लोगों को उच्चारण दोष होता है, वो उच्चारण कैसे ठीक करना है, ये जो भी उच्चारण मैं आज आपके साथ बांट रही हूँ इन्हें ठीक करने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तो आप वीडियोस में देखते रहें और अपने उच्चारण को आप ठीक रखें। तो उच्चारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक आरजे के जीवन में। इसके अलावा, आरजे के अलावा अगर आप आवाज की दुनिया में जाना चाहते हैं, चाहे आप बीपीओ में जाएं या सिंगिंग में जाएं, तो आवाज का असर बहुत अधिक पड़ता है किसी भी इंसान का। और आवाज एक ऐसी चीज है जो दिल दिमाग तक असर करती है दोस्तों। तो अपनी आवाज को बेहतर बनाएं और जो टिप्स आज मैंने आपको दिए हैं वो करें। इसके अलावा टोन, जैसे कि मैंने आपको बताई, तो टोन आपकी क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। और किसी भी आपके टोन पर लोकल जो क्षेत्र होते हैं, मतलब जो मातृभाषा वाला क्षेत्र होता है, जिसे हम MTI कहते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस, मतलब मातृभाषा का असर अगर आपके टोन पर या बोली पर है तो आपको उसे दूर करना होगा। उसे दूर करने के उपाय भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप मदर टंग इन्फ्लुएंस को कैसे दूर कर सकते हैं। और जैसे ब्रज भाषा का असर होता है, जैसे कि बिहार तरफ अगर आप चले जाए तो अवधी हो गया, मगही हो गया, या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, बंगाली हो गई, गुजराती हो गया, मतलब हर लैंग्वेज का एक मदर टंग होता है, अपनी एक सुंदरता होती है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल वे में बात कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो हमें अगर तीन भाषाएं आती हैं तो तीनों भाषाएं उसके अपने रेगुलर या रियल फॉर्म में आनी चाहिए। मतलब कि अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इंग्लिश का ही फॉर्म हो, हिंदी कह रहे हैं तो हिंदी का फॉर्म हो, और अगर आप गुजराती में बात कर रहे हैं तो गुजराती का टोन आए, ना कि किसी और लैंग्वेज का। जैसे कई बार आपने देखा होगा कई बंगालीज होते हैं, जब वो हिंदी बोलते हैं तो बंगाली टोन आता है,
यही बात होती है, इसे दूर करना है। अगर आप इसे दूर कर लेते हैं, आपको तीनों भाषाएं अपने अपने रियल फॉर्म में आती हैं, तो यानी कि आपका अपनी भाषा पर पकड़ है। तो हमें थर्ड चीज यही है, भाषा के ऊपर पकड़ बनानी है। हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को उसी के रियल फॉर्म में बोले, उसी के रियल तरीके से बोले तो अच्छा रहेगा और आरजी के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। अब फोर्थ चीज आती है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब चीजों का ज्ञान, मतलब किसी भी क्षेत्र से अगर आप बात कर रहे हैं, क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। खास तौर पर आपको फिल्मों का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट एफएम में जाना चाहते हैं तो आपको नई फिल्मों का, नए गानों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप पुराने एफएम में जा रहे हैं किसी में, जैसे हम एफएम गोल्ड पर हैं, तो हमारे यहाँ पुराने गानों का ज्यादा क्रेज है, तो हम पुरानी चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं। 1960 1940 से लेकर अब तक की चीजों को हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम करते हैं। तो आपको अच्छा, इसके अलावा आप जिस चैनल में जाना चाहते हैं उस चैनल को आपको प्रॉपर वे में सुनना पड़ेगा, आपको सुनना चाहिए। यानी अगर हम किसी चीज में घुसना चाहते हैं, उस तक ढूंढना चाहते हैं, तो हमें उसमें उतरना ही होगा। तो हम उस चैनल के बारे में अगर जानना चाहते हैं किसी में, तो उसके बारे में हम जाने, वहां के आरजेस के बारे में जाने, वो कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं वो जाने, ये सारी तैयारी अगर हम कर लेते हैं दोस्त, तो हम आरजे बन सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आरजे का कोर्स कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आरजेस के जो कोर्सेज हैं वो काफी कॉस्टली हैं, महंगे हैं, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो टिप्स मैं आज आपको दे रही हूँ आप ये करिए। उच्चारण दोष दूर करिए, गले का ख्याल रखिए, और ज्ञान जो है नॉलेज बढ़ाइए, और उसके बाद ऑडिशन के फॉर्म भर दीजिए जाकर आकाशवाणी के किसी भी सेंटर पर, और बस ऑडिशन होने पर आप चाहिए आप लिख पाए, और क्या वो जानेंगे, क्या वो सवाल करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वो भी आप तैयार करके रखिए। जनरल नॉलेज तो जरूर तैयार करिए, क्योंकि वो तो पूछा ही जा रहा है आजकल हर जगह पर। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ बांटें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, और अगले वीडियो का इंतजार जरूर करें। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।